हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे और अपने 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 कामों में और गार्डनिंग के वर्क में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सोनल्स गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक जो है अपने फोकल पॉइंट सेंटर गार्डन के ऊपर है, जो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना था कि आपने ये कैसे बनाया है, आपके वहाँ सीलन तो नहीं आती है, कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे किए थे। तो मैं आज उन्हीं का जवाब देने के लिए मैंने आज ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और आइकन बटन पर प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे, और अगर हो सके फ्रेंड्स तो शेयर भी करिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सर्कल की सर्कल जो मेरा सेंटर पॉइंट है उसके, ये देखिए उसमें पिट्यूनियाज अच्छे से ब्लूम हो गई हैं। बट यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था फ्रेंड्स, तो सारे जो है बारिश हुई, बारिश की वजह से सारे फ्लावर्स स्पेंट हो गए। मैंने उनको तोड़ तोड़ के हटाया भी है, और अभी भी देखिए जो है अभी भी फ्लावरिंग तो है, मगर वही है कि थोड़ा सा कम हो गई है। और मैंने सोचा था कि अच्छे से फ्लावरिंग जब हो जाएगी तो मैं वीडियो शेयर करूँगी, बट वही है फ्रेंड्स, कुछ सोचिए, कुछ होता कुछ और है। और नेचर तो अपने हाथ में है नहीं, उनको जो करना होता है वही करते हैं और हमें उन्हीं के साथ जो है चलना होता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत फुल ब्लूमिंग नहीं शेयर कर पाई, और इससे पहले मैंने सोचा था कि अच्छे से जब ब्लूमिंग हो जाएगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी, बट अब मौसम ने बहुत ज़्यादा मतलब जो है करवट बदल ली है और बहुत चेंज हो गया। मुझे लगा बहुत हैवी बारिश ना हो जाए तो सारी ही ब्लूमिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो मैंने सोचा आज मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो है कुल मिलाकर के ये सर्किल गार्डन ऐसा आ रहा है। और पहले मैंने यहाँ पे रखा था, मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा सेट कर रही हूँ क्योंकि इससे शो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, बहुत अच्छा सा शो नहीं हो पा रहा था फ्रेंड्स। तो मैंने इसको इस राउंड के जो ईंटें लगे हैं उस पे राउंड बनाया, तो ये कुल मिलाकर के ऐसा लुक आ रहा है। और फ्रेंड्स, बहुत तो ब्लूमिंग नहीं हुई है, हुई थी बट वही है कि मौसम की वजह से ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा जो भी है फ्रेंड्स आपसे शेयर कर लूँ, पता नहीं आगे अब मौसम सही हो ना हो, कुछ पता नहीं। तो इस बार मौसम ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है फ्रेंड्स। खैर, नेचर से हम लोग कुछ नहीं कर सकते नेचर के आगे, और ये सब तो लाइफ में अप एंड डाउन होता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक वही मैंने कहा कि कुछ व्यूवर्स ने हमसे पूछा था कि आपने कैसे सेंटर गार्डन बनाया है और इसको इसमें क्या सीलन नहीं आती है, तो उन क्वेश्चंस का ही आंसर देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सर्किल के बारे में बताती हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे बनाया है और सीलन क्यों नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने ये सर्कल जब बनाया तो मैंने सीलन का विशेष ख्याल रखा कि मेरी छत पे सीलन बिल्कुल ना पहुंच पाए नीचे। तो इसको मतलब ध्यान में रखकर ही मैंने ये अपना सेंटर गार्डन क्रिएट किया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक शीट ली है, ये वाटर प्रूफ होती है, आपने देखा होगा ये हर जहाँ पे सोफे ओफे का सामान वगैरह जो है मिलता है वहाँ पे ये जो है आसानी से मिल जाती है, इसको फोम शीट बोलते हैं। तो सबसे पहले ये एक वाटर प्रूफ होती है, आप इसको बिछा लें छत पे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये छत पे, जैसे ये देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इसको मैंने पहले ये बिछा लिया अच्छे से। बिछाने के बाद फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक शीट थर्माकोल की डाली, जो बड़ी बड़ी शीटें आती हैं उनको डाला। उसके बाद फिर थर्माकोल तो आप जानते ही हैं, जो थर्माकोल की शीट्स होती हैं, पहले मैंने उसको डाला। उसके बाद इस तरह की
ब्लैक पॉलीथीन, ये आप देख रहे हैं जैसे ये ब्लैक पॉलीथीन डाली मोटी सी, और फिर ईंटें लगा दी, ये देखिए ईंट से दबा दिया, और फिर मैंने मिट्टी 50% गार्डन सॉइल और 50% जो है गोबर खाद काउ मैन्यू मैंने मिक्स किया और डाल दिया। उसके बाद मैंने ग्रास लगा दी और इसका रिज़ल्ट देखिए ये है। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अभी तक तो फ़िलहाल मेरी छत में सेंटर गार्डन क्रिएट करने के कारण कोई सीलन तो नहीं आई है, मैंने विशेष ख्याल रखा, जैसा कि मैंने बताया कि वाटरप्रूफ का मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और आप इसके अलावा एक और कर सकते हैं, जब आप सेंटर गार्डन क्रिएट कर रहे हैं तो एक डामर आता है जो कि रोड वगैरह में अक्सर मतलब जो है लोग यूज़ करते हैं, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो सीलन कम मतलब पहुँचेगी, कम क्या पहुँचती नहीं है, अभी तो मेरे वहाँ फ़िलहाल मेरी छत में इतना करने से कोई सीलन नीलन नहीं पहुँची है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप स्लैब वगैरह डलवा करके भी, थोड़ा ऊंचाई से आप स्लैब डलवा करके भी ये गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह क्रिएट किया है, आपको जो सूट करे आप अपने अकॉर्डिंग करें, क्योंकि मेरी RCC की छत बनी हुई है और थोड़ा मजबूत छत है, तो मैंने ये करके जो है बनाया है। तो ये मेरा प्रोसेस था, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह या कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यही जो है क्रिएट किया है। तो ये देखिए, ये सुंदर सी ब्लूमिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई है फ्रेंड्स, और ग्रास भी अब ग्रीन हो रही है। इस बार मैं ग्रास की कटिंग छिलवा दूंगी तो अच्छा सा ये गद्दा तैयार हो जाएगा घास का, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और मैंने ये चारों ओर देखिए हैच दी है, एक डोरंटा की और एक ये रेड वाली, और इससे ये पूरी हैच तैयार हुई थी, हैच तैयार हो गई है। और बीच बीच में मैंने ये यहाँ पर जो है पोर्टुलाका का मैं ये क्रिएट करूँगी गर्मी में, समर में। और ये फ्रेंड्स, अब देखिए सीजनल सीज़न जा रहा है, तो अब फ्लावर्स भी मेरे ख्याल से यहाँ बहुत गर्म हो रही है, तो मेरे ख्याल से अप्रैल, ये मार्च ही चल पाएगा, अप्रैल भी मुझे नहीं लगता है चलेगा। ये देखिए सब बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और फ्लावर भी मुरझा रहे हैं। और ये देखिए कुल मिला के ये लुक है मेरे गार्डन का। बोगनवेलिया भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रही है, और ये देखिए मेरी क्यारी का लुक एकदम फूलों से भरी है। और ये देखिए पिटूनिया का कलर बहुत सुंदर है, ये देखिए। और ये भी अब जो है कुल मिला के सब प्लांट्स मेरे मुरझा रहे हैं गर्म की वजह से। देखिए बोगिन के लिए बहुत खूबसूरत खिली हुई है, ये देखिए डहलिया का भी फ्लावर खिल गया है आज। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी बिस्टन बिगोनिया भी खिल गई है, गुच्छों में फूल आए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं, ज़रूर इसको ऐड करिए अपने गार्डन में। और ये देखिए जो मैंने थोड़ा सा रूपरेखा दी है गेट को भरने का, तो ये देखिए इस बार भर रही है, अगले मौसम में ज़रूर भर जाएगी। और ये देखिए मुरझा भी गए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट पिटूनिया जो कि अपने आप सीड से गिर के जो है तैयार हो गई है, एक बार लगाने से आपके गार्डन में हमेशा रहेगी, ये आप हटाएंगे भी तो भी नहीं जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक एक हाथ का जो है रोज़, जिसको कैलकटा की वैरायटी, कैलकटा 35 जैसे समथिंग बोलते हैं, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा है। ये देखिए ये फ्लावर्स जो है हुआ है। और ये देखिए ये बोगनवेलिया जो कि मैं इसको मतलब जोड़ूंगी, एक उधर है और एक उधर है, दो तरफ मैंने लगाई है, इसको मैं हैच टाइप का बनाऊँगी कुछ। और
फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सबकी हार्ट टूनिंग कर दी थी, हार्ट कटिंग मतलब टूनिंग कर दी थी सबकी। देखिए एक्जोरा वगैरह की सबकी हार्ट टूनिंग कर रखी है। और ये इधर अपना रोज़ भी खिल रहे हैं, काफ़ी मैंने तोड़ भी लेती हूँ मैं सुबह। और सब जो है मैंने ये देखिए सभी की मैंने हार्ट लगभग हार्ट प्रूनिंग कर दी है। और काफ़ी बड़े भी मेरे हो गए थे जैसे ये देखिए पौधे, तो मैंने इस बार थोड़ा छोटा कर दिया है राउंड शेप देने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, नींबू भी हो रहे हैं और नींबू में बहुत सारे सीड्स बहुत सारे फ्लावर्स भी आए हैं। और ये देखिए फल भी फ्रूट भी बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और ये थोड़ा सा हार्वेस्ट करने वाला नींबू है, ये है इधर, ये है नींबू दिख रहा होगा आपको। और ये इधर बोगनवेलिया लगी हुई है। और ये देखिए पाउडर पफ का बहुत सुंदर ये प्लांट होता है, इसको ज़रूर ऐड करें। कुछ ऐसे फ्रेंड्स प्लांट होते हैं गार्डन में जिनको ऐड ज़रूर करें मेरे एक्सपीरियंस से, और उनकी केयर भी कम होती है और खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी सुंदर खिली हुई है कलर, ये देखिए। ये देखिए ब्लूमिंग्स देखिए बोगनवेलिया की भी देखने वाली होती है। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी कोलियस की बास्केट कितनी सुंदर तैयार हुई है, ये देखिए मैंने लगाया था कटिंग से। और ये देखिए इतनी सुंदर बास्केट तैयार हुई है, और मैं यही एक पूरी रख लूँगी, अगर बच पाएगी समर में तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुल मिला के मेरा लुक गार्डन का, सेंटर गार्डन का आता है। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे सेंटर गार्डन के लिए। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ फिर से मैं दोबारा आपसे कुछ नया लेकर के आती हूँ, कुछ नए नए टॉपिक के साथ फिर से दोबारा आपसे मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग, बाय।